चैनल। तो आज का डी वाइज में मैं पुरानी बॉटल उसका एक क्राफ्ट लूँगी, ग्लास बॉटल, और इसमें मैं क्राफ्ट पेपर्स को यूज़ करके, आजकल ना काफ़ी आर्टिफिशियल जैसे ट्रेंडिंग लीव्स चल रहे हैं, पाइन लीव्स वगैरह, उसका एक मैंने बनाया है, मतलब टू क्राफ्ट टू डी आई वाइज एंड ऑल्सो मेरे पास मेरे को काफ़ी एक मतलब मोल्डेड को लेके भी मैंने एक यूज़ किया है। तो आप देखिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। तो प्लीज़ बाय। तो हमारा फर्स्ट डी आई वाई में जैसे कि हम ग्लास बॉटल को न्यू बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने इसमें जेसो का कोट अप्लाई कर दिया है। हाँ, मैंने इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने साइड साइड पे ही जेसो का अप्लाई किया, बीच में काफ़ी दो जगह जो है मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अलग तरह की बॉटल बनाने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना यार एक ऐसी ट्राई की जाए, तो काफ़ी अच्छी भी लगी। तो मेरे पास ना वाटर ट्रांसफ़र शीट्स मैंने काफ़ी देर से मंगाई थी, पर कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे बनाने का, जस्ट जो पर सच में, तो मैंने उसको यूज़ करके आप देखिए कैसे कैसे बनाया है। तो जब मुझे लगा कि नहीं ये बहुत सुंदर है, तो मुझे लेकिन काफ़ी खाली खाली लग रहा था, तो मैंने इसमें साइड पे थोड़ा सा और जो ट्रांसफ़र शीट्स थी थोड़ी इसमें, ये जो मैंने जो यूज़ की है, आप इसकी जगह डिकॉपेज पेपर अगर आपके पास है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। तो होप आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आप कभी भी अगर आपको सच में अच्छा लगे और अगर आप कभी ट्राई करें तो डू शेयर इट विद मी, में मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड में वही वार्निश अप्लाई करना तो ज़रूरी होता है। तो मैंने मेरे पास ये कलर के बीच से ही इसके साथ ना कंट्रास्ट भी जा रहे थे, लाइट पिंक कलर के थे, इसलिए मैंने ये लगाया। एंड में मैंने जूट रोप, और ये मैंने ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने खुद ही बनाई थी अपनी उससे क्ले से, ये जो दो बीड्स बनाए हैं ना मैंने, ये मैंने क्ले के खुद ही बनाए थे बीड्स घर में ही। होप आपको अच्छा लगे ये भी, ये वाला डी आई वाइज। तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, थोड़ी सी हमें भी अच्छा लगता है जो हमने थोड़ी मेहनत वगैरह की होती है। एंड जब आप लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ डू कमेंट, अगर किसी के पास और अच्छा अच्छा और कोई है आइडिया तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सो दैट हम थोड़ी उसमें हेल्प करें। और हाँ, मेरे पास मैंने जो और अदर वीडियोज़ के भी लिंक्स हम आपको इस वीडियो में दे देंगे, सो डू विजिट माई चैनल फॉर अदर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने जो ये लिया है फर्स्ट, आप कोई भी कलर का पेपर लीजिए, जैसे कि आपको पता है आजकल काफ़ी लाइट कलर अच्छे लगते हैं ये लीव्स वगैरह में, आप डार्क लीजिए। और अब जैसे मैंने इसमें किया है आप कीजिए, और मैंने ये जो लीव्स हैं ये दो टाइप्स के मतलब मैंने ना बनाए हैं, एक और इसमें बस कटिंग का फ़र्क होता है थोड़ा सा, तो मैंने किया है। होप आपको मेरा ये क्राफ्ट भी पसंद आया होगा। क्या है ना बेसिकली काफ़ी देर से मैं ये देखती थी कि काफ़ी ना कभी हम कहीं गए थे एक बार, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये, मैंने कहा था यार मैंने ट्राई तो करनी है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे, होप आपको भी सुंदर लगा हो, काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, सुंदर सुंदर सा। तो मैंने इसमें भी जो आप अभी आगे देखेंगे जो दूसरा पिंक कलर का लीव्स की शेप दी थी मैंने, तो ये भी दो टाइप के हैं, तो इसकी इसको भी मैंने बना के फिर इसको डेकोरेट किया था। देखिए अब ये जो मेरा सेकेंड टाइप का ये जो लीव्स है जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो में, तो बस अभी यही एक ट्राई किया मैंने दूसरा वाला, ये मैंने थोड़ी सी छोटी शेप बनाई थी, आपको जैसे अगर बड़ा ही लेना तो आप बड़ा ही जो पेपर लेके उसको सेम कीजिए, मुझे थोड़ा सा इसको छोटा वाला एक वो देनी थी लीव बनाना था, ताकि जो भी हम जैसे मैंने बॉटल बनाई है इसका क्या जो आप देखते हैं कि माउथ जो है इसका
थोड़े होल के जो वो डायमीटर वगैरह वो कम होता है, मतलब छोटा सा होता है, तो इसमें इकट्ठे अगर डाल देंगे तो वो नहीं जा रहा था, नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने ये छोटा बनाया है। अगर आप कहीं किसी बड़े में डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसको बड़े बड़े चार्ट पेपर्स या उससे भी बस सेम कटिंग से कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नए आए तो, एंड डू शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट प्लीज़ कीजिए कि ऐसा बना है कैसा नहीं, और अगर आप इसमें कुछ अच्छा इससे अच्छा कुछ आइडिया देना चाहते हैं तो आप वो भी दीजिए। अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, मतलब होने ही वाला है, तो बस अब उसके भी नए नए DIYs हम घर में और क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और कुछ ओदर वीडियोस जो मैंने शेयर किए हैं जिसमें मैंने जूट का यूज़ करके कार्डबोर्ड के स्वीट बॉक्स और स्वीट बॉक्स का क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो आइडिया है वो शेयर किया है। डू विज़िट माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो। बस ये थर्ड में क्या था, मुझे ना काफ़ी मन कर रहा था समर का ना कुछ बनाने का, मतलब जैसे लेमन, उसका ना मुझे बेसिकली ना कुछ और एक ट्री सी बनानी थी, बट एन मौके पे मेरे पास मोल्डेड मैंने देखा, मेरे पास सिर्फ यही पड़ा था। और अगर आपको थोड़ा सा साइज़ बड़ा बनाना है, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि एक मोल्डेड से काम नहीं बनेगा अगर आपके पास है। अगर तो हमने घर में वॉल पुट्टी का डो बना के रखा है, मैं उस समय नहीं उसमें थी कि मैं बना पाती, तो इस वजह से, नहीं तो अगर कोई बना अगर कोई घर में ही बनाएगा तो वो बड़े साइज़ का बनाइए, बड़ा सुंदर लगेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना समर वाइब्स आ रही है। मैंने लेमन बनाया है बेसिकली, ये मैंने हाफ़ जैसे कहते हैं आधा पीस नींबू का कटा हुआ वो बनाया है, तो बट बस जैसे मैंने बताया लेमन का मेरे पास मोल्डेड कम पड़ गया था, बस ये एक रीज़न था। मेरी बेटी तो इसको ले लेके घूमती रहती है, तो मैंने कहा रहने दे इसको कुछ दिन, बस अच्छा है ना, काफ़ी खुद जब इसने फर्स्ट टाइम देखा था शीज़ लाइक माँ ये लेमन, अभी इससे इतना क्लियर नहीं बोला जाता, ये इमू है इमू, मैंने कहा हाँ इमू है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।